हाय फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने अपने किचन के लिए एक नया आइटम मंगवाया है अमेजोन से। इसको ऐड किया किचन में। पहले वाला जो मेरा टोस्टर था, मतलब सैंडविच मेकर, वो काफी पुराना हो गया था। 25 साल पुराने हो गए हैं मेरे सारे आइटम्स। जब से मेरी शादी हुई है तब से जो मैंने खरीदा है उसके बाद मैंने चेंज नहीं किया है। वो काफी मतलब सही है, अच्छा चल रहा है। उसको मैं मतलब अब रफ यूज में कर लेती हूँ, बहुत ही आराम से वो चल जाता है। लेकिन उसका एक बटन खराब हो गया और बहुत दिनों से मैं सोच रही थी इस ग्रिलर लेने का। ये वाला मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये बहुत सर्च किया मैंने, पहले वंडर सेफ का देखा, अगारो का देखा, फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं बोरोसिल का ही लूंगी, क्योंकि इसके सारे मैंने जो रिव्यू पढ़े सबके, और उसके बाद मैंने इसको इसलिए ऑर्डर किया क्योंकि ये मुझे सबसे जेन्युइन लगा और इस पर काफी ज्यादा ऑफ मिला मुझ पर। मुझे इसका जो बॉडी है ये प्लास्टिक का नहीं है, इसलिए भी मुझे लगा कि चलो ये सही रहेगा। प्लास्टिक बॉडी थोड़ा डर लगता है क्रैक होने का, और ये मुझे काफी देखने में भी बहुत ही सुंदर लग रहा था, तो मुझे लगा कि चलो मैं बोरोसिल का ही ऑर्डर करती हूँ। कोई भी जब नया सामान हम अपने घर में मंगवाते हैं, खास करके जब जो होम मेकर होती है, जैसे मुझे किचन में बहुत ही टाइम देना पड़ता है, तरह तरह के मैं खाने बनाती हूँ घर में ही, और जब नया कुछ भी आता है तो उसको बहुत ही अच्छे से हम यूज करते हैं। थोड़ा पुराना हो जाता है तो चलो थोड़ा उसको अलग तरीके से यूज करने का हो जाता है, और घर में नया चीज आता है तो बच्चों को भी काफी एक्साइटमेंट रहती है। इस ग्रिलर के लिए घर में सोहा भी बहुत ही बोल रही थी कि मम्मी सैंडविच जब इसमें बनाएंगे तो ज्यादा टेस्टी लगेगा, रैप भी बन जाएगा, पनीर टिक्का ये सब बनाने के लिए आपको काफी आसान पड़ जाएगा, तो हम ऐसा ग्रिलर ले लेते हैं ताकि इसमें आसानी से बन जाए। तो सोहा भी बहुत ही एक्साइटेड थी और उसने मेरी काफी हेल्प की इसको अनबॉक्सिंग करने की। उसने ऐसे पूरी जांच पड़ताल की जैसे किसी चीज को हम लेते हैं तो देखते हैं, पूरा टॉर्च लगा करके। स्क्रैचेस तो इसमें थे हल्के, पहले उसने बोला कि इसके रिटर्न में डालते हैं, फिर मैंने बोला कि नहीं इतने स्क्रैच हैं थोड़े बहुत, और जो पता नहीं चल रहा है हमें देखने में तो किस लिए हम इसे रिटर्न करेंगे। ऑफ भी तो हमें इस पर मिला है, तो फिर फाइनली हम लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि अब हम इसको रखेंगे, और फिर मैंने इसको रखा। इसमें मैंने बनाए रैप बनाए टेस्ट करने के लिए कि कैसा बनता है, चेक करने के लिए, तो रैप भी अच्छा बना और फिर मुझे पता भी चल गया कि इसको कैसे ऑपरेट करना है। तो वो भी एक रीजन था कि मुझे इसमें बनाना था। बहुत दिनों से मैं इसको बहुत पहले ही मंगवा लिया था लेकिन यूज नहीं कर पा रही थी, जो रीजन मैंने आप लोगों को पहले भी, मेरी वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें मैंने बताया है, मन ही नहीं करता था किसी चीज को करने का। अब धीरे धीरे मैं अपने रूटीन में आ रही हूँ, और कितना दिन तक हम किसी चीज को लेके बैठे रहेंगे उससे तो हमारा नहीं चलता है काम। फिर फाइनली मैंने इसे यूज किया। रैप मैंने बस चेक करने के लिए बनाया था, तो उसको भी मैं इसमें आपको दिखा रही हूँ कि कैसा बना। बहुत ही अच्छा से बन गया। इसमें ये सारे फीचर्स हैं, ये रेड है, ये ग्रीन है, ये सारे बटन है, और इस तरफ इसका ये वाला दिया है, लॉक अनलॉक का सिस्टम है। इस तरह से लॉक हो जाता है और इस तरह से ये अनलॉक हो जाता है। तो ये सारे फीचर्स मैंने इसके देखे, उसके बाद फिर मैंने इसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है। यहाँ पे एक रेड कलर का बटन है जिसको कि दबाने से ये पूरी तरह से ओपन हो जाता है। इस साइड में कहीं पर बटन है, मुझे यहाँ पे है बटन, इस तरफ से मुझे दिख नहीं रहा था, यहाँ पे ये बटन है। अब जब हम इसको अनलॉक कर देंगे, पहले ये लॉक हो गया, देखिए ये अनलॉक हो गया, और इस बटन को जब हमें पूरा खोलना है तब हम जब इस बटन को दबाएंगे तब ये पूरा खुल जाता है। इस तरह से इसके फीचर्स हैं, ये रेड वाले बटन जो है इसको दबाने के बाद ये पूरा खुलता है। यहां से ये पुश होता है
और उसके बाद जब हम इसे खोलना है तो इस तरह से देखिए ये खुलेगा। आप इसे आराम से ऑपरेट करें तो ये बहुत अच्छे से ऑपरेट होता है। इस तरह से देखिए, जब हमें दोनों तरफ बनाना है तब हम इसे पूरा खोलते हैं, और फिर अगर लॉक करना है तो ये खुद ही रेड वाला बटन यहाँ से बाहर आ जाएगा, देखिए, और इस तरह से ये बंद हो जाएगा। तो इस तरह से इसके फीचर्स हैं। यहाँ पे एक ऑयल, जो एक्सेस एक्स्ट्रा ऑयल होते हैं उसके लिए ये एक दिया हुआ है डिस्पेंसर यहाँ पर, जो कि इधर लग जाता है। अभी तो इतना कुछ बनाया नहीं है मैंने, बाद में जब मैं बनाऊंगी तो उसकी भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। धीरे धीरे पता चलता है हमें कि कैसा कोई भी अप्लायंस जब हम उसे यूज करते हैं तो वो कैसे वर्क करता है और उसमें क्या अच्छा है और क्या डिसएडवांटेज है। अभी तो मैंने बस चेक करने के लिए इसमें रैप बनाया है। इसकी पैकेजिंग काफी अच्छी थी, डब्बा थोड़ा सा क्रैक था, बाकी सारी पैकेजिंग आप वीडियो में देख रहे होंगे। मैं इसको ओपन कर रही हूँ, पहले पूरा रैप था बबल पेपर से, सेलो टेप से उसको हटाया, फिर उसके बाद बबल पेपर हटाया मैंने, और डब्बा बीच में थोड़ा सा क्रैक लगा मुझे तो, लेकिन पैकेजिंग में इसकी कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। आइटम बिल्कुल सही तरीके से आया, जब मैंने निकाला तो मतलब जो भी ये मेरा ग्रिलर है उसमें कोई कहीं भी कुछ टूटा फूटा नहीं था। देखते हैं, इसमें थोड़े थोड़े स्क्रैचेस तो हैं, लेकिन ये ऑफ में दिया इसलिए मैंने इसको लौटाना सही नहीं समझा। अगर हम ऑफ में कुछ लेते हैं तो कुछ नज़रअंदाज तो हमें करना ही पड़ता है। उसने बताया था 1.5 मीटर लंबा वायर है इसका कॉर्ड, जो है सफिशियंट कॉर्ड है, कहीं भी हम प्लग में लगा करके इसको आराम से चला सकते हैं। इतना है कि बहुत छोटा नहीं है इसका कॉर्ड। और अब इसे मैं ऑन करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसको मैंने प्लग लगाया तो इसमें दो बटन है, ये रेड कलर का है जो कि ऑन पावर, जैसे ये पावर बताता है, और जब हमें इसे गर्म करना होता है तो यहाँ पे लिखा है लाइट, जो कि रेड जब जलता रहता है तो ये लाइट पर रहता है, और डार्क यहाँ पर है तो ये ग्रीन बटन ऑन हो जाता है। जैसे इसे हम ऑन करते हैं तो ये ग्रीन हो जाता है, और उसके बाद ये पकना स्टार्ट हो जाता है जब हम इसमें कुछ अंदर रखते हैं, और काफी गर्म हो जाता है ये। जब ऑन होता है तब गर्म होना स्टार्ट होता है और धीरे धीरे ये गर्म हो जाता है। जैसे कि मैंने रैप इसमें बनाया तो चेक किया तो पहले ये लाइट रेड कलर का पावर ऑन हुआ, उसके बाद ये ग्रीन जला, जब यहाँ पे मैंने डार्क पर किया इसे तो ये ग्रीन जल गया, और फिर थोड़ी देर के बाद ये भी ऑफ हो गया। फिर जब हमें इसे पकाना है तो इसे नॉब को और घुमाया तो ये पकना स्टार्ट हो गया। इस तरह से इसके फीचर हैं जो कि मैंने चेक कर लिया बना करके, और बहुत अच्छे से बन गया इसमें। बाकी भी अभी मैं सैंडविच वगैरह बनाऊंगी तो मुझे धीरे धीरे पता चलता जाएगा कि इसमें कैसे कैसे बनाना है। और पनीर टिक्का जो कि खास करके बहुत ही पसंद आता है, मुझे भी पसंद है और सभी को पसंद आता है, स्नैक्स के तौर पर भी हम उसे खा सकते हैं, डिनर में भी। तो ये पनीर टिक्का भी मैं इसमें बना करके चेक करूंगी, सभी कुछ बनाऊंगी धीरे धीरे। मैंने इसमें चेक करने के लिए रैप बनाया, देखिए आप इस जैसे ही पहले मैंने इसको ओपन किया और मुझे बस एक रैप चेक करने के लिए बनाना था तो इतना ही खोला मैंने इसे, और उसके बाद मैंने इसको ऑन किया। जैसे ही ऑन किया तो ये रेड लाइट, पावर ऑन करते ही स्विच जब ऑन किया मैंने प्लग लगा करके, तो ये रेड वाली लाइट सबसे पहले ऑन हो गई। उसके बाद मैंने इसके ऊपर रैप रख दिया और इसको घुमाया तो ये ग्रीन वाली लाइट जल गई और ये गर्म होना स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे ये जैसे जैसे गर्म होने लगा उसके बाद मैंने इसको क्लोज किया, पहले हल्का क्लोज किया, धीरे धीरे जब पकने लगता है तो वो अपने आप ये नीचे की तरफ दबते जाता है, और उसके बाद फिर से ये ऑफ हो गया था तो मैंने इसको फिर से घुमाया नॉब तो फिर ये ग्रीन लाइट जल गई और ये पकना स्टार्ट हो गया, और अच्छे से पूरा रैप पक गया। बहुत ही बढ़िया बना रैप, जो भी मैंने मतलब चेक करने के लिए सिंपल सा ही मैंने ट्राई किया था और वो बहुत ही टेस्टी बना। इंग्रेडिएंट्स के ऊपर डिपेंड करता है टेस्ट का तो, लेकिन पक गया इसमें बहुत ही अच्छे से, जैसा हमें लगता था कि पकना चाहिए।
इस तरह से मैंने इसे ऑपरेट किया और इसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की। सफाई करने का जिसमें दिया हुआ था कि इसे ठंडा होने के बाद आप साफ करें, पानी से ना धोएं, क्योंकि पुराना वाला तो मैं बिल्कुल उसे पानी से अच्छे से साबुन सर्फ से साफ कर देती हूँ, लिक्विड सोप से, तो वो बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। लेकिन इसे मुझे सफाई का ही टेंशन है कि मैं इसमें बुकलेट में लिखा है कि इसमें पानी डाल करके बिल्कुल भी साफ ना करें, सूखे नैपकिन पेपर से, चाहे जो भी आप क्लोथ जो आता है आजकल उससे आप साफ करें और ठंडा होने के बाद आप साफ करें। तो मैंने रैप बनाने के बाद बिल्कुल वही किया, इसको छोड़ दिया, अच्छे से ये ठंडा हो गया, उसके बाद मैंने इसकी सफाई की। और अगर आप लोगों को कुछ पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं इसे ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि अभी मेरे पास ये नया आइटम आया है और बहुत लोग इसे यूज़ कर चुके होंगे, तो ज़रूर मुझे कमेंट करें। और फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि धीरे धीरे ही हमारा चैनल ग्रो होता है। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही इतना दूर तक मैं पहुंची हूं, और आगे भी आप लोग मेरा सपोर्ट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।